पिछली बार जब हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो हमने ये बताया था कि देखिए बोफोर्स के होने के बाद और इस तरह के डिफेंस स्कैम्स जो हो रहे थे उसको रोकने के लिए एक बहुत इलेबोरेट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बनाया गया और उस प्रोसीजर में ये लिखा था, ब्रॉडली हम बता देते हैं कि उसका ब्रीफ क्या है। उसमें ये लिखा है कि पहले क्या चाहिए हमको, हमारी सेना को, चाहे वायु सेना, चाहे जमीनी सेना, चाहे नेवी को, क्या चीज चाहिए, पहले वो जो सर्विसेज हैं वो लोग आपस में डिस्कस करके बताएंगे कि हमको चाहिए क्या, हमारी जरूरत क्या है। उसके बाद जब वो ये बता देंगे तो फिर ये जाएगा कैटेगराइजेशन कमेटी, जो अरुण जी ने बताया कि एक बड़ी एलैबोरेट कैटेगराइजेशन कमेटी है जो ये फिर देखती है कि अच्छा ये जो ज़रूरत है इसको लेने के लिए क्या होना चाहिए, क्या हिंदुस्तान से ही खरीद लें, या हिंदुस्तान में बनवा लें, या बाहर से खरीद लें, या बाहर से खरीद लें और हिंदुस्तान में बनवा लें, ये सारे कैटेगरीज अलग अलग हैं। और उसके बाद फिर मामला जाता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसमें कि डिफेंस मिनिस्टर, सर्विस चीफ्स और फाइनेंस के लोग सब होते हैं, और वो फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बनाता है कि भाई हाँ हमको ये चाहिए, हमने मान लिया ये चाहिए, और ये इस तरह से लिया जाएगा, कुछ यहां बनाए जाएंगे, कुछ बाहर से आएंगे। और उसके बाद फिर टेंडर इशू किया जाता है इस हवाई जहाज के परचेज में, मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो खरीदे जा रहे थे इसके बारे में पहले एयरफोर्स ने सारा डिस्कशन करके बोला कि हमको कम से कम 126 हवाई जहाज चाहिए। उसके बाद कैटेगराइजेशन कमेटी ने बोला कि अच्छा इसमें से 18 तो हम बाहर से खरीद सकते हैं डायरेक्ट फ्लाई वे कंडीशन में, लेकिन बाकी जो है हिंदुस्तान में बनने चाहिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे कि आगे चलकर हम इसमें आत्मनिर्भर हो सके। उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यह बात मानी और 2007 में इसका टेंडर इश्यू किया गया। उसके बाद 6 कंपनियों ने बिड किया, 2 को शॉर्टलिस्ट किया गया। 5 साल बाद जाकर 2012 में इसको डेसॉल्ट कंपनी जो रफेल हवाई जहाज बनाती है उसको L1 डिक्लेयर किया गया। उसके बाद उनसे प्राइस नेगोशिएशंस शुरू होते हैं और प्राइस नेगोशिएशंस चल रहे हैं, मोदी जी की सरकार आ जाती है, उसके बाद भी प्राइस नेगोशिएशंस चलते रहते हैं। 2015 के मार्च में एरिक ट्रैपियर जो डेसॉल्ट का सीईओ है वो कहता है कि प्राइस नेगोशिएशंस करीब करीब खत्म हो गए हैं, 95% कंप्लीट है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज एयरक्राफ्ट इन दी HAL फैक्ट्री। उसके बाद मोदी जी बाहर जा रहे होते हैं तो 8 तारीख को उनके जाने से पहले फॉरेन सेक्रेटरी अपने बयान में कहते हैं कि मोदी जी हाँ ये जो ऑनगोइंग डिस्कशंस हैं 126 रफेल हवाई जहाज वाले उसको आगे बढ़ाएंगे वहां पर। 10 तारीख जिस दिन मोदी जी वहां पहुंचते हैं, जिस दिन साइन होता है, 10 तारीख की सुबह फ्रांस के प्रेसिडेंट हॉलैंड कहते हैं कि हाँ वो मोदी जी आ रहे हैं, उनसे मेरी बात होगी और वो पुरानी जो 126 हवाई जहाज की डील है उस पर कुछ आगे बढ़ेंगे। और उस दिन शाम होते होते, सुबह से शाम होते होते एक बिल्कुल वो पुरानी डील को फेंक दिया जाता है, नई डील एक दस्तखत करी जाती है जिसके बारे में हॉलैंडे को भी नहीं पता था, एयरफोर्स को भी नहीं पता था,
डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता था, पारिकर को भी नहीं पता था, सिर्फ अनिल अंबानी को पता था। और डील यह होती है कि 36 हवाई जहाज अब रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे, 126 अब नहीं आएंगे, सिर्फ 36 आएंगे। कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होएगा, कोई मेक इन इंडिया नहीं होएगा। और उसी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, वही एग्जैक्ट वही वेपन सिस्टम्स, वही चीजें उसमें होंगी हवाई जहाज में, जो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी टेस्ट करके अप्रूव कर चुकी है 126 वाली डील में। तो अब जैसे आपको बताया अरुण जी ने कि पहला सवाल ये उठता है कि 126 से 36 कैसे कर दिए गए? प्रधानमंत्री को खुद करने का तो कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में तो पहले सर्विस हेडक्वार्टर अपना रिक्वायरमेंट बताती है, तो पहले कभी एयरफोर्स बोले कि नहीं जी हमको 126 नहीं चाहिए, सिर्फ 36 चाहिए, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं। रक्षा मंत्री को भी नहीं पता, कैटेगराइजेशन कमेटी के पास भी फिर से नहीं गया कि भाई अच्छा अब कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, 126 की भी जरूरत नहीं है, 36 ही ले लेते हैं, उन्होंने भी नहीं अप्रूव किया। तो 126 का 36 कैसे हट गया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हट गया, HAL कैसे गायब हो गया? और पिछले दरवाजे से अंबानी आ जाते हैं, ऑफसेट के नाम पर अंबानी आ जाते हैं। और पहले यह कहा जाता है, जो जॉइंट स्टेटमेंट था, कि इसका दाम 36 का उससे बेहतर होगा जो 126 की डील नेगोशिएट हो रही थी। अब 126 की किस प्राइस पर नेगोशिएट हो रही थी, इसका कोई अभी दस्तावेज हाथ में नहीं आया है, लेकिन कई संकेत आ चुके हैं। पहला संकेत, खुद पारिकर साहब ने 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री साइन करते हैं ये अग्रीमेंट हॉलैंड से, 13 तारीख को पारिकर कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई 126 क्यों हटा दिए, 36 क्यों कर दिए, कहते हैं नहीं 126 तो बहुत महंगे होते, सब कुछ मिलाकर उसका प्राइस 90,000 करोड़ होता, यानी कि 715 करोड़ एक हवाई जहाज का दाम। फिर पार्लियामेंट में नवंबर 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कह जाते हैं कि भाई 36 हवाई जहाज 670 करोड़ पर हवाई जहाज आ रहा है। लेकिन पोल तब खुलती है जब रिलायंस और डेसॉल्ट दोनों अपने स्टेटमेंट्स में कह देते हैं कि ये 36 हवाई जहाज का कॉस्ट 60,000 करोड़ है, यानी कि 1600 करोड़ से भी ज्यादा, और ये भी कह देते हैं साथ में कि इसमें से मेजर चंक ऑफसेट्स का 70% ऑफसेट है उसका, 30,000 करोड़, 60,000 करोड़ की डील है, आधा उसमें ऑफसेट है 30,000 करोड़, उसका मेजर चंक रिलायंस को मिलेगा। तब सबके आंख खुलने लगती है कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, पहली बात तो 126 का 36 हो गया, दूसरी बात मेक इन इंडिया गायब हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स गायब हो गया, रिलायंस आ गया, और हवाई जहाज का दाम 600 से 1600 हो गया। और फिर हमको ये सब घोल खिला पिलाए जाते हैं, तरह तरह के घोल। पहले कहा जाता है कि नहीं नहीं अब एक स्टेटमेंट जेटली जी ने यह दिया है, नहीं वो तो 2015 आते आते वो पुरानी डील में भी दाम हवाई जहाज का बहुत बढ़ जाता। अरे तो पारिकर साहब ने क्यों बोला,
कि 126 हवाई जहाज का दाम 90,000 करोड़ होता, वो तो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, यानी 715 करोड़ होता पुरानी डील में। फिर भी ये झूठ बोला जा रहा है कि नहीं नहीं पुरानी डील में दाम बहुत बढ़ जाता। फिर दूसरा झूठ कि नहीं नहीं इसमें तो इंडिया स्पेसिफिक एडऑन्स हैं, कोई नई चीज हमने एक हेलमेट लगवा दिया है, हेलमेट से पीछे भी देख सकते हैं, 500 करोड़ तो उसी का दाम है हेलमेट का। मतलब ऐसे ऐसे झूठ, जबकि प्रधानमंत्री के बयान में सीधा सीधा ये बोला गया था, जो 10 अप्रैल 2015 को जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया, एयरक्राफ्ट्स विल कम इन एग्जैक्टली द सेम कॉन्फ़िगरेशन एंड विद द सेम वेपन्स मेंटेनेंस एटसेट्रा व्हिच हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड बाय द एयरफोर्स। तो इंडिया स्पेसिफिक एडॉन्स कहां से आ गए? और अगर इंडिया स्पेसिफिक एडॉन्स आने थे, उसका भी प्रोसीजर होता है। आप ये नहीं कह सकते वह हम एक हेलमेट और खरीद लेते हैं जी, 1,000 करोड़ का हेलमेट दे दीजिए। तो ये तो यही बात हो गई कि हमने गाड़ी खरीद ली 10 लाख की, लेकिन अब सीट बेल्ट और ले लेते हैं, 50 लाख की सीट बेल्ट भी लगा लो भाई। मतलब इनक्रेडुलिटी की भी तो कोई लिमिट होती है, कितना बेवकूफ बनाएंगे आप। आपने ये सोच रखा है कि इस देश के लोग सब बिल्कुल मूर्ख हैं, कुछ भी बात आप बोल दीजिए सब मान जाएंगे कि इंडिया स्पेसिफिक एडवांस हमने कर दिया 1,000 करोड़ के। अरे भाई इंडिया स्पेसिफिक एडवांस थे तो उसका सिस्टम है, पहले एयरफोर्स को बोलना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए, उसके बाद जाएगा कैटेगराइजेशन कमिटी में कि कहां से खरीदा जाए, उसके बाद जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बाद। जेटली जी तो कहते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग मई में हो गई, मई 2015 में, यानी कि एक महीने के अंदर सब कुछ हो गया। और उससे पहले प्रधानमंत्री ने खुद अनाउंस कर दिया कि नहीं नहीं हम तो 36 हवाई जहाज खरीदेंगे, उसी कॉन्फ़िगरेशन में खरीदेंगे, अब कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह की जरूरत नहीं है, अब सीधे वहीं से रेडी टू फ्लाई आएंगे। और उस पर एक महीने के अंदर सबने मोहर लगा दी और स्पेसिफिक एडवांस भी ऐड कर दिए। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप, कितना मूर्ख समझते हैं आप देश को, इतने झूठ एक के बाद एक बोलते चले जाएंगे। अरे हलफनामा देकर देखें, ये सब चीजें कहकर कुछ तो पता नहीं है। मतलब रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलता, दूसरे मंत्रियों से कहलवाया जा रहा है। ये मतलब हिंदुस्तान में अजीब हो रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिमोनेटाइजेशन की बात होती है उसमें रक्षा मंत्री बोलने लगता है, जब राफेल डील की बात होती है उसमें ब्लॉगिंग मिनिस्टर बोलने लगता है। मतलब कमाल ही है। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। अरे भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे। ये तो यही बात हो गई कि जैसे अभी बात बाहर निकली कि अनिल अंबानी हॉलैंडे की वाइफ जो है या पार्टनर उनके लिए कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई 200 करोड़ रुपए उन्होंने लगा दिए उनकी फिल्म बनाने में, और वो डील उसी दिन साइन हुई फिल्म की जिस दिन ओलैंडे आए हुए थे यहाँ पर रिपब्लिक डे के लिए, और उसी समय उन्होंने ये वाला राफेल का सौदे पर फिर से हस्ताक्षर किए। अभी तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर देते हैं और कह देते हैं कि ये 600 करोड़ तो बहुत कम है, 1600 करोड़ हम आपको दे देते हैं, अब आप इसमें से 21,000 करोड़ हमारे आदमी को ऑफसेट्स दे दीजिए, हम आपके पार्टनर के लिए फिल्म बना देंगे, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो गई। मतलब कुछ तो समझिए देश को कि आप इस देश के खजाने का हलवा बना देंगे और खा जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं जी हमने तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर दी, अब तो हमको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, हमने सीक्रेसी एग्रीमेंट भी साइन कर दिया, यानी कि हिंदुस्तान का कानून भी अब नहीं अप्लाई करेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन भी नहीं अप्लाई करेगा,
हम तो कुछ बता भी नहीं सकते। अरे रोज बताते जा रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने तो वहां पार्लियामेंट में बोल दिया कि 670 करोड़ के हवाई जहाज हैं। जेटली जी कहते हैं नहीं नहीं ये तो सस्ते हैं, उससे भी सस्ते हैं जो पहले आ रहे थे, उससे भी 20% सस्ते हैं। अरे भाई आप ये सब क्यों बताते जा रहे हैं जब सीक्रेसी एग्रीमेंट है? और आपके पिट्ठू लोग जो इधर उधर मीडिया में बैठे हैं रोज इस तरह के बयान देते हैं कि इतना प्राइस है उतना प्राइस है और ये हेलमेट का 500 करोड़ है वगैरह वगैरह, मतलब को लगने लगा है जैसे वो अमित शाह कहते हैं ना कि 2019 में अगर हमने चुनाव जीत लिया तो 50 साल तक हमारा राज चलेगा। यानी कि देश को इन्होंने सोच रखा है कि बस उसके बाद तो फिर कुछ लोकतंत्र वगैरह रहेगा नहीं, 50 साल हमारा राज चलेगा। इनको शायद लगता है कि आज भी कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, जो चाहो कर लो और सब लोग फॉलो कर लेंगे। और नई चीज देखिए, अब अपने पिट्ठू जर्नलिस्ट से ये सब स्टोरी करवा रहे हैं कि नहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो बिल्कुल बोगस कंपनी है, वो डेसॉल्ट कंपनी तो ऐसी बोगस कंपनी के साथ काम करने ही नहीं चाहती थी, इस वजह से हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाहर कर दिया। यानी अपनी ही पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसको एकमात्र कंपनी को एक्सपीरियंस है हवाई जहाज बनाने का, उसको आप जलील करवा रहे हैं अपनी डील को जस्टिफाई करने के लिए। आप और जब ट्रैपियर ने उसके ठीक दो हफ्ते पहले 25 मार्च 2015 को बोला कि हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से बहुत खुश हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग द एयरक्राफ्ट इन इंडिया विद देम एंड द वर्क शेयर एग्रीमेंट दे साइन, एंड देन यू आर सेइंग कि नहीं नहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो बोगस कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की तो सब बोगस कंपनियां होती हैं, ये तो रिलायंस अब अच्छा काम करेगी। रिलायंस देखिए कितना बढ़िया काम करेगी, जो कि कंपनी पूरी कर्ज में डूबी हुई है, बैंकरप्सी में है, 2G स्कैम में तो चार्जशीटेड है, सब कुछ है, लेकिन वही बढ़िया काम करेगी कि उसको 21,000 करोड़ जरूर मिलने चाहिए। और दूसरा, आप एयरफोर्स के वाइस चीफ से झूठ कहलवा रहे हैं। आपने उनसे बोल दिया ये कहने के लिए कि नहीं नहीं एयरफोर्स ने बोला था बड़ा अच्छा है आप 36 हवाई जहाज ले लीजिए, बिल्कुल झूठ, झूठ कहलवाया जा रहा है हमसे, झूठ बोल रहे हैं ये वाइस चीफ जो है। कभी ऐसा नहीं हुआ 10 अप्रैल के पहले कि एयरफोर्स ने बोला हो कि आप 36 हवाई जहाज ले लीजिए या कोई इंडिया स्पेसिफिक एडवांस ले लीजिए। झूठ कहलवा कहलवा के पूरा एयरफोर्स का मोराल खत्म किया जा रहा इस डील में। देखिए क्या क्या हुआ है। पहली बात तो एयरफोर्स की कमर तोड़ दी इन्होंने। एयरफोर्स ने बोला था बहुत साल मेहनत करने के बाद कि हमको 6 या 7 स्क्वाड्रन कम से कम चाहिए, 126 एयरक्राफ्ट कम से कम चाहिए। मोदी जी ने अपने आप 6 की जगह 2 कर दिए। फिर उन्होंने ये बोला था और कैटेगराइजेशन कमिटी और एक्विजिशन काउंसिल ने ये बोला था जिसमें सारे लोग थे कि हमको सेल्फ रिलायंट होना है और इस वजह से इसमें ज्यादातर हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनने होंगे। आपने उसको उड़ा दिया। और हमारा इस देश के गरीब जनता का पैसा लूट रहे हैं जो 36 हवाई जहाज 20-25 हजार करोड़ में आने चाहिए थे 60 हजार करोड़ कर दिया और 21 हजार करोड़ अपने क्रोनी को दिलवा रहे हैं जो हॉलैंडे की वाइफ का की फिल्म बनाएगा। और ऊपर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जलील कर रहे हैं और एयरफोर्स से झूठ कहलवा रहे हैं। यानी कि आपने इस देश की सिक्योरिटी का तहस नहस कर दिया, आपने इस देश के खजाने को लूट लिया, आप यहां के पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रहे हैं, मेक इन इंडिया खत्म कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस खत्म कर रहे हैं और रोज झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं और सब सीक्रेसी के
पीछे छुपते चले जा रहे हैं। इतना मूर्ख मत समझिए इस देश को, इतना मूर्ख जनता को मत समझिए, ये इनको समझ लेना चाहिए। अभी भी लोकतंत्र है, कम से कम कुछ लोकतंत्र है इस देश में। ये मत सोचिए कि 2019 का आप चुनाव जीत चुके हैं और लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश में।